दामोदर दास मोदी। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुवार शाम नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव में जनता का प्रचंड विश्वास जीतने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बृहस्पतिवार शाम 7 बजे बतौर प्रधानमंत्री अपनी दूसरी पारी का शानदार आगाज कर दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में मोदी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मोदी समेत टीम के कुल 58 सदस्यों ने शपथ ली। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व राजनाथ सिंह समेत 24 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल है। मोदी के पहले सरकार में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज व मेनका गांधी को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं सुषमा के साथ विदेश सचिव रहे सेवानिवृत्त IAFS अधिकारी S जयशंकर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। भाजपा के 2 सहयोगी जनता दल यू और अपना दल सरकार में भी शामिल नहीं हुए हैं। मोदी के बाद सबसे पहले लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह ने शपथ ली। इसके बाद अमित शाह, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद की शपथ ली। गौड़ा ने अंग्रेजी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पिछली सरकार में रक्षा मंत्री रही निर्मला सीतारमण, सहयोगी दल लोजपा से प्रमुख रामविलास पासवान, फिर नरेंद्र सिंह तोमर, पटना साहिब से जीते रविशंकर प्रसाद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा हरसिमरत कौर बादल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली दूसरी महिला और सहयोगी दल की दूसरी नेता बनी। भाजपा का प्रमुख दलित चेहरा और दूसरी बार मंत्री बनाए जाने वाले थावरचंद गहलोत ने भी शपथ ली। कैबिनेट मंत्री के तौर पर रमेश पोखरियाल निशंक, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और शिवसेना कोटे से अरविंद सावंत ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। पूर्व विदेश सचिव S जयशंकर को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वह जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक विदेश सचिव रहे। जयशंकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना मोदी सरकार का चौंकाने वाला कदम है। वहीं मंत्रिमंडल में सुषमा स्वराज और मेनका गांधी को नहीं शामिल किया जाने का चौंकाने वाला मामला है। खराब स्वास्थ्य के कारण सुषमा ने चुनाव से भी दूरी बना ली थी। हालांकि मोदी की ओर से सुषमा को मनाने की भरपूर कोशिश की गई। गांधी परिवार के दूसरे महत्वपूर्ण धड़े से जुड़ी मेनका गांधी मुख्य गांधी परिवार की काट के लिए एक समय पार्टी के लिए बेहद अहम थी। अब मुख्य गांधी परिवार के कार्ड के लिए पार्टी को स्मृति ईरानी के रूप में चेहरा मिल गया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद सुषमा को विदेश मंत्री जबकि मेनका गांधी को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बनाया गया था। राष्ट्रपति भवन में चल रही नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में 2 बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मास्टर जी की भूमिका में दिखाए गए। शपथ लेने के दौरान एक बार उन्होंने मनसुख मांडविया और फग्गन सिंह कुलस्ते को टोक कर कहा कि मंत्री जी अपने नाम के साथ में लगाइए। इनके बाद बिहार से सांसद नित्यानंद राय को भी बीच में रोककर दोबारा अक्षुण बोलने को कहा, जबकि रतनलाल कटारिया को भी शपथ संबोधन में सभी प्रकार के लोगों को बोलने की याद दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।